नाउ वी विल सी इस लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि एल एस टी एम और जी आर यू में फ़र्क क्या है और क्यों ये दोनों जो हैं इम्पोर्टेंट हैं और किस कंडीशन में ये दोनों इम्पोर्टेंट होंगे अगर जी आर यू में लेस कम्पटिशन जो हमने पिछले लेक्चर में बात की वो है तो उसकी वजह क्या है ठीक है और इसको देखने के लिए हम स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ ज़रा ग़ौर से ये बात सुनिएगा कि किस तरीके से इन दोनों में डिफ्रेंसेज पाए जाते हैं और सुन के तो आपको याद नहीं होने वाला यू हैव टू प्रैक्टिस एज़ वेल लेकिन फिर भी देखते हैं के क्या क्या फर्क है मेन सबसे पहली चीज़ ये है कि ये दोनों एल्गोरिथम जिसका नाम है एल एस टी एम जी आर यू ये दोनों एल्गोरिथम्स जो हैं ये इनकी सिमिलैरिटीज़ देखेंगे ठीक है वर्सेस में सिमिलैरिटीज भी आ जाती हैं और फिर डिफरेंसेस की तरफ जाएंगे ज़ाहरी बात है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले क्या करते हैं ये बेसिकली आपका जो डेटा है एल एस टी एम और जी आर यू ये लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी जो है डेटा की उसको डील करते हैं लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी दोनों ही जैसे कल मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल में कि आपका अगर टूडे यहां पे लिखा हुआ है इसकी बेस पे अगर आपका पूरा सेंटेंस चला जाता है एंड आई हैव यहाँ पे आता है तो ये हैव जो है पूरे सेंटेंस में टूडे की बेस पे डिपेंड कर रहा है और इसी तरीके से अगर हम फाइव ईयरस अगो यहाँ पे लिखता हूँ और यहां पे कोई फिक्र लिखता हूं लाइक ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस आई हैड टू तो ये भी इस बेस पे आ रहा होता है यानी कि लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी मैटर करती है एल क्या करता है ये टुडे को आगे मूव करता है लॉन्ग टर्म हिडन स्टेट के साथ और यहां पे फाइव ईयर्स गो को आगे मूव करता है एज अ मेमोरी आई हैड के लिए जी जो है ये भी यही काम करता है लेकिन इन दोनों में दो एक जो बड़ा मेजर फर्क है वो ये है कि एल एस टी एम जो है ये ज्यादा कंप्यूटेशन इसके अंदर लेता है एल एस टी एम एल एस टी एम इसमें कंप्यूटेशन ज्यादा है वर्सेस जो हमारे पास जी आर यू है इसके अंदर कंप्यूटेशन कम लगती है जो मेजर फर्क है मोर कंप्यूटेशन एंड लेस कंप्यूटेशन और इसकी वजह क्या है इसकी मेन वजह यह है कि एल के अंदर आपको अगर याद हो तो आर को एक्सप्लोडिंग और जो फिनिशिंग ग्रेडियंट की इशू है उससे बचाने के लिए हम गेटेड यूनिट्स का यूज करते हैं और ये दोनों गेटेड यूनिट्स हैं एक एल एस है दूसरा जी है तो इसका मतलब गेटेड यूनिट से मुराद ये है कि इसके अंदर गेट्स मौजूद हैं जो बेसिकली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं एल के अंदर तीन गेट्स होते हैं ठीक है यह गेटेड यूनिट्स हम इन्हें बोल सकते हैं और यहां पे हमारे पास जी आर यू के अंदर दो गेट्स होते हैं जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं इसके तीन गेट्स को हम बोलते हैं इनपुट ठीक है एंड इनपुट गेट बोलते हैं दूसरा है आउटपुट गेट आपको पता है ना कि एक इनपुट आती है फौरन से आउटपुट आ जाती है उसकी ठीक है तीसरा हमारे पास इसी के अंदर है फोर गेट ये हमें बताता है कि किस चीज को किस वक्त पे भूलना है ठीक है इनपुट गेट्स इनपुट गेट आउटपुट गेट एंड फोर गेट गेट और यहां पे हमारे पास होते हैं दो मेजर गेट्स पहला है जी हमारा रीसेट गेट एंड द सेकंड वन इज अपडेट गेट एक तो ये चीज है कि एक गेट कम यूज हुआ है इसकी वजह से हमारे पास जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड रह गया हमारे पास, में. हमारे पास जो इनपुट है वो भी ऐसे ही फ्लो कर रही होती है लेकिन इनके आर्किटेक्चर में जो मेजर फर्क है वो भी हम अभी देखते हैं अब एल एस टी एम के अंदर जो इनपुट गेट है इसका काम है ये डिसाइड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आगे लेके जानी है यानी कि कौन सा वर्ड एज एन इनपुट आगे मूव करना है और सीक्वेंस की बेस पे द के बाद कैट आना है फिर सेट आना है ऑन फिर आना है फिर ए आना है फिर मैट आना है वो सीक्वेंस आपने मेंटेन रखनी होती है इसके अंदर और ये इनपुट गेट उस सीक्वेंस की इनपुट को कंट्रोल करता है कि हाँ भाई अगला बंदा आ जाओ जैसे वो डॉक्टर्स के हम अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं ना अपॉइंटमेंट लेने के बाद हम डॉक्टर्स के बाहर बैठे होते हैं वो नाम ले रहे होते हैं या टोकन नंबर ले रहे होते हैं ठीक है तो अगर आप उस टोकन के आ, होल्डर हैं आपके पास वो टोकन पड़ा हुआ है तो आपकी बारी है जो डॉक्टर से अब आप, अपॉइंटमेंट आपकी आ गई या आप उनसे मिलेंगे जाके सेम वही चीज़ है इनपुट गेट का, का काम वही है एज ए आप कह सकते हैं कि कंपाउंडर बोलते हैं उसके या असिस्टेंट बोलते हैं बेसिकली आजकल थोड़ा सा मॉडर्न मॉडर्न दौर है तो असिस्टेंट कहते हैं तो वो इनपुट गेट के तौर पर काम करते हैं कि जिसका जिसकी बारी है उसको आगे जाने देते हैं और वो सीक्वेंस तोड़ने नहीं देते और ये इनपुट गेट पाकिस्तानी इनपुट गेट की तरह नहीं है कि सौ रुपया उसके हाथ में थमाए और सबसे पहले आप आगे चले गए पीछे वाले बैठे देखते रहे सो दिस इज डिफरेंट इनपुट गेट कि जिसकी बारी है उसको आगे जाने देंगे ठीक है आउटपुट गेट क्या करेगा ये बेसिकली ये डिसाइड करता है कि जो इनपुट आई है उसी की आउटपुट सीक्वेंस के अंदर आपके पास आई यानी कि इस इनपुट पे डिपेंड करता है आपकी आउटपुट क्या है सही है इन दोनों को लिंक करता है कि ये नहीं है कि द कैट आई है तो कैट को हमने उसकी आउटपुट और देनी और बाकियों की और देनी ठीक है जो फॉर गेट गेट है ये बेसिकली हमें बताता है कि अगर कोई की आपके पास लॉन्ग टर्म चेन मेमोरी में आ रहा है तो उसको किस पॉइंट पे जाके भूलना है या छोड़ना है जैसे मैंने कल आपको एक मिसाल दी थी जिसके अंदर हमने समोसा यूज किया था मैंने यहाँ पे बकायदा नाम भी उस बंदे का लिखा था कि ये समोसा जो है यहां पे हमारे पास आ गया ठीक है अब ये लॉन्ग टर्म चेन में जाता जाता यहाँ पे जब हमारे पास इंडियन को सीन आना है क्यूजीन आना है तो हमने कहना है कि ठीक है जी ये समोसा के बेस पे यहां पे इसका काम खत्म हो गया अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लू अगला सेंटेंस मैं अभी बस नाम लिख रहा हूं ठीक है डैश क्यूजी तो यहां पे अब समोसा चलता जा रहा है समोसा 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 यहाँ पे चलता जा रहा है जैसे ही हमारे पास पास्ता आना है यहां पे फोर गेट गेट ने इसको भूल जाना समोसा को एंड देन पास्ता से आगे मूव करना ठीक है तो ये इनपुट गेट हमारे पास मतलब ये कि समोसा एज इट इज समोसा के पॉइंट से आपके पास एक लॉन्ग टर्म मेमोरी का भी गेट ओपन हो जाना है और ये तब तक चलना है जब तक आपका फोर गेट गेट इसको इजाजत देता है कि ठीक है भाई तुम यहीं पे रहो सही है तो इसलिए हमारे पास आउटपुट गेट इनपुट गेट और फोर गेट गेट तीन गेट्स काम करते हैं अब चलते हैं हम रीसेट गेट और अपडेट गेट की तरफ जो हमारे पास ग्रू के अंदर है यानी कि जी आर यू के अंदर है इन दोनों को देखने के लिए बेसिकली होता क्या है अब हमारे पास ये हमारा एक मेमोरी सेल है एक किस्म का ठीक है अगर हम इसके अंदर कोई फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन लेके आते हैं लाइक like दिस और इस इंफॉर्मेशन की बेस पे ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है एक हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी चल रही होती है ठीक है और एक हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी चल रही होती है इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म और इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म में वो चीज़ रिटेन रहती है जो पीछे से चली आ रही है ठीक है ये लॉन्ग टर्म है ये शॉर्ट टर्म है ये दो किस्म की मेमोरीज होती हैं और ये है हमारी टाइप एल की ठीक है और इसकी बेस पे हमारे पास तीन यूनिट हो गए ना इनपुट आउटपुट और हमारे पास जो फॉर गेट गेट है अब मैं अगर यहीं पे सेम सेल ड्रॉ करूं जी आर यू के अंदर क्या होगा जी आर यू के अंदर ये एक ही मेमोरी जो है वो हिडन स्टेट जो है वो आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों को कंबाइन करके लेके चलेंगे ठीक है जैसे ये हमारे पास दोनों कंबाइन करके लेके चलेगी तो उसका मतलब है हमारे पास कंप्यूटेशन कम होगी लेकिन इस मेमोरी सेल में एक जो मेजर फर्क है वो ये वाला है हमारे पास यहां से हिडन स्टेट आई है ठीक है यहां से हमारी आ गई है इनपुट फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे करता हूं समोसा ठीक है इनपुट आई है पीछे से हमारे पास जो पिछली हिडन स्टेट आ रही थी हिडन स्टेट यहाँ पे पिछली आ रही थी ठीक हो गया अब यहां से आ गया हमारा उस एनएलपी का एक टेक्स्ट पॉइंट इसने क्या करना है अब यही से आगे दो गेट्स जोड़ देने हैं समथिंग लाइक दिस ठीक है और इसकी फिर इनपुट आगे कंबाइन होके आगे मूव करेगी एक का नाम है अपडेट गेट और दूसरे का नाम है रीसेट गेट ठीक है अब अपडेटेड रीसेट गेट का क्या काम होता है रीसेट गेट जो है ये बेसिकली बताता है कि भाई समोसा जो है आपने यहां पे आके रीसेट कर देना इस गेट को यहां पे समोसा छोड़ देना और पास्ता लेके चल पड़ना ठीक है जैसे हमारे पास पास्ता का लफज आया समोसा छोड़ देंगे और यहां से जब रीसेट गेट इसे बताता है कि इसको रीसेट रीसेट करो वहीं से पास्ता हमारे पास रीसेट हो के हमारे पास पास आ गया एंड देन जब दूसरा पिज्जा आना है तो यहाँ पे हमारा अपडेट गेट ओपन हो जाना है कि पास्ता के अंदर पिज्जा को एड करो ठीक है और ये कंप्यूटेशनली बेस्ड ऑन द एक्टिवेशन फंक्शन सारी कंप्यूटेशन हमारे पास चल रही होती है जैसे हमारे पास ये दोनों चीजें आएंगी कम्बाइन होकर अपडेट गेट और दूसरा गेट न इट विल शो अस एन आउटपुट हेयर तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास दोनों हिडन स्टेट ही, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म इस तरीके से कम्बाइन होकर चलती हैं जी आर यू के अंदर इसके जी आर यू के और भी काफ़ी मेजर जो है हमारे पास डिफ्रेंसिस हैं उनको मैं एक टेबल मेरे पास अभी भेजा भी गया उसको भी देखते हैं और एक टेबल मेरे पास भी है मैं उसको भी कॉपी पेस्ट करता हूँ यहीं परेन वी विल सी इट टूगैदर ये कुछ इनके आर्किटेक्चर के और बाकी चीजों के फर्क होते हैं ऑब्वियसली ये मैंने चैट जीपीटी पी डी से लिए आप भी ले सकते हैं तो भाई ने पहले भी भेज दिया आपको चैट के अंदर भी तो आर्किटेक्चर जो है एल का कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है ड्यू टू तो द डिफरेंट गेट्स ये सिंपलर है आर्किटेक्चर क्योंकि यहाँ पे रीसेट गेट और अपडेट गेट होते हैं ठीक है यहाँ पे मेमोरी सेल और मल्टीपल गेट्स हमारे पास होते हैं देन कंप्यूटेशनल यहाँ पे ज्यादा पैरामीटर होंगे तो ज्यादा कम्पटिशन ये फ्यूर पैरामीटर है तो लेस कम्पटिशन होगी ठीक है हायर कम्पलेक्सिटी लोअर कम्पलेक्सिटी इन जी आर यू अगर हम लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज की बात करें तो ये ज्यादा बेहतर है कि आप एल को यूज करें क्योंकि ये ज्यादा लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज को यूज करता है बट ये लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज को अच्छे तरीके से यूज ग्रू भी कर लेता है मतलब अगर आपके पास कंपिटिशन ज्यादा नहीं है और आप लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी को डील करना चाहते हैं जैसे एनएलपी का डेटा तो आप जी यू यूज करेंगे तो आपकी कम्पिटिशन तकरीबन 25 ट्वेंटी परसेंट कम यूज होगी जी के लिए यूज केसेसियसली हमारे पास लैंग्वेज मॉडलिंग है मशीन ट्रांसलेन स्पीच रिगेग्नेशन सेंटीमेंट एनालिस और यहाँ पे हमारे पास विडियो टाइम सीरीज एन एल पी वगैरह सारा कुछ इसमें यूज होता है डेटा सेट अगर बहुत बड़ा है आपका यानी कि बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स है या बहुत बड़े बड़े आपके पास टाइम सीरीज का डेटा है तीस चालीस साल का तो एल एस टी एम की तरफ भी आप जा सकते हैं अदरवाइज इज बेटर टू यूज द स्मॉलर डेटा विदयू एन लेस कम्पटेशनली एफिशियंट है और ये ज्यादा एफिशियंट है हमारे पास जी आर यू ज़्यादा यूज होता है लेकिन लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है ये अगर ज्यादा आपने डेटा कैप्चर करना है अच्छी क्वालिटी का डेटा कैप्चर करना अच्छा है so uh, और जी आर यू के अंदर और कौन सा मेजर डिफरेंस हो सकता है एनी अदर आइडिया एक टर्म यूज होती है हमारे पास जी आर यू के अंदर जिसको हम हैडमार्ड प्रोडक्ट बोलते हैं मैट्रिसेस की इसके अंदर भी आपके पास मैट्रिक्स यूज होते हैं। और उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है दो मैट्रिक्स को तो ए वन बी वन तो इस तरीके से आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो ए वन बी वन यानी कि जिस लोकेशन पे जो जो चीज आ रही है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करके आपकी प्रोडक्ट जो है बन जाती है इसका फायदा क्या होता है आपका डेटा ज्यादा एफिशेंटली यूज हो जाता है ठीक है तो ये बेसिकली आपके पास सॉरी ये जी आर यू के अंदर यूज होगी एंड देन वी कैन लुक इन टू इट वेन मेक द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विद जी आर यू एनी अदर थिंग me आई लेफ्ट is सी जी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में लिख सकते हैं मेन वायर सही हो गया एक क्वेश्चन आया कि व्हाट मेक्स जीआरयू अनसुटेबल फॉर लार्ज डेटा मतलब ये कि लार्ज डेटा के लिए अनसुटेबल कहां पे लिखा हुआ है यहां ये क्यों है बेहतरीन तरीके से ये बताया गया कि सूटेबल फॉर स्मॉलर डेटा सेट ये नहीं कहा गया कि अनसुटेबल फॉर लार्जर डेटा सेट ऑब्वियसली इसकी एक्यूरेसी और इसकी कैप्चरिंग जो है पावर फॉर पैरामीटर्स की वो कम होगी लार्ज डेटा सेट में फीचर्स ज्यादा होंगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए दो गेट्स जो हैं वो कम इंफॉर्मेशन को कैप्चर करते हैं ठीक है एट दी एंड जो एक्यूरेसी का फर्क है वो बहुत कम आता है हमारे पास दोनों मॉडल्स की ठीक है फीचर्स जब ज्यादा हो जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ज्यादा पैरामीटर्स को कंट्रोल करने के लिए एल एस टी एम अच्छा परफॉर्म करेगा लेकिन देर इज अ वे जिसके ऊपर मैं जाने लगा हूँ इसी वजह से मैंने पॉज लिया थोड़ा सा विच आर कॉल्ड हमारे पास जो इन दोनों के हाइब्रिड मॉडल क्योंकि रिसर्चर जो है ना वो थोड़े से खपती लोग हैं वो कहते हैं कि यार क्या आपने चूज करने बैठे हैं दोनों को हाइब्रिडली यूज कर लो एल एस टी एम प्लस जी आर यू इन दोनों को यूज करो और दोनों की एफिशिएंसी को लो यानी कि ज्यादा इसको यूज कर लो प्रोडिक्ट करने के लिए जहां पे बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म एफिशिएंसीज को आपने देखने लॉन्ग टर्म डाटा डिपेंडेंसी यानी कि अगर आपका जो डेटा है और लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत पुरानी लेनी है तो एल एस टी एम वहां पर यूज करो अगर कुछ टोकन पुरानी लेनी है तो जी आर यू यूज करो ठीक है एंड बेस्ड ऑन दैट स्टम मॉडल्स कस्टम मॉडल्स भी नहीं बोला जाता है जो इसकी बेस पे आपने बड़े नाम सुने होंगे उसमें से पहला है जी आपका बाई डायरेक्शनल एल एस टीएम गिर डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल एल एस टीएम ओवर जी आर यू नाम से जाहिर है कि यह बाई डायरेक्शनल मॉडल होगा मतलब एक तरफ नहीं ये दोनों तरफ देख रहे होंगे ठीक है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फ्लो के अंदर ये काम करेंगे ठीक है और इसी के अंदर आप पास्ट और फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट को साइमल्टेनियसली देख सकते हैं समझ बात की आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक डायरेक्शन के अंदर एल एस टी एम चला दें दूसरी के अंदर जी आर यू चला दें ऑब्वियसली जी आर यू कहां पर चलेगा कॉन्टेक्स्ट को पढ़ने के लिए डेटा के जहां पे आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन जरूरत पड़ेगी यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी कम होगी शॉर्ट डेटा के लिए तो अगर आप दोनों को फॉरवर्ड और रिवर्स में चलाएं और इनका मीन या एवरेज या इसको कंपाइल करने के बाद इन दोनों के रिजल्ट की बेस पे आप मॉडलिंग करें तो उसके लिए एक कस्टम मॉडल है जिसको हम बाई डायमेंशनल बाई डायरेक्शनल एल और ग्रू मॉडल बोलते हैं ठीक है फिर दूसरा मॉडल है हमारे पास इसी का यहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में जाएगा कॉन्टेक्स्ट को मेंटेन रखने के लिए इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाई डायरेक्शनल मॉडल्स हमारे पास होते हैं फिर अटेंशन बेस्ड है हमारे पास एक अटेंशन बेस्ड एल एस टी एम ओवर जी आर अटेंशन बेस्ड क्या होगा जैसे मैंने आपको समराइजर नहीं बताए कि समराइजर होते हैं समराइज करके पूरे का पूरा टेक्स्ट आपको दे देते हैं क्विल बोर्ड के अंदर समराइजर है या आप इधर चैट जीपीटी को बड़े से बड़ा को टेक्स्ट पकड़ा है उसको बोले इसको समरी दे, दे दे वो कर देता है तो वो बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉर्ट्स को लेता है इंपॉर्टेंट को इम्पोर्टेंट पार्ट्स को लेने के बाद आपको टेक्स की समरी करके दे देता है यानी कि ये उनकी वर्ड्स पे ज्यादा फोकस करता है जो बार बार आ रहे हैं या वो इम्पोर्टेंट है based on their TFIDFs, तो उनको लेने के बाद अटेंशन उन पे ग्रैप करके उनके रिलेटेड सेंटेंसेस को ग्रैप करता है और अटेंशन बेस्ड मॉडल के अंदर ऑब्वियसली आप जब ट्रांसलेशन करते हैं या किसी चीज को आप ग्रैप करते हैं तो अटेंशन बेस्ड मॉडल उसके तरफ चलता है इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ Uh, जैसे हम कैट सेट और मैट की ले लेते हैं ठीक है उसके अंदर कैट सेट और मैट हमारे तीन की वर्ड्स है जब इसको ट्रांसलेट करना है ना तो उन्होंने keywords पे पहले फोकस करना है और फिर उन्होंने वर्ब के ऊपर फोकस करना है ठीक है अगर आप सिर्फ और सिर्फ की वर्ड पे फोकस करेंगे तो आप सेंटेंस उसका पास्ट में प्रेजेंट में फ्यूचर तीनों में बना सकते हैं लेकिन बेस्ड ऑन द अदर वर्ब्स दे विल डिफाइन वर्ब अच्छा अब सेकेंड प्रेफरेंस हमारी क्या है की के बाद हेल्पिंग वर्ब के हैज आया हैव आया फर्स्ट फॉर्म है सेकेंड फॉर्म है उसकी बेस पे आगे चलते हैं तो अटेंशन बेस्ड भी मॉडल हमारे पास होते हैं जिनके अंदर ये दोनों मॉडल्स यूज होते हैं फिर बात है स्टैक्ड अच्छा जब भी आप हाइब्रिड चीज की बात करते हैं ना हम उनकी तहें लगाते हैं या इकट्ठा करते हैं इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा आपके पास दो सिक्के हैं एक एक रुपए के या तो आप उन्हें ऐसे रख सकते हैं जो मैंने पहला मॉडल बताया फॉरवर्ड एंड रिवर्स ठीक है या आप देख सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सी साइड इंपॉर्टेंट है वो वाली रख लें यानी कि हेड्स ऊपर है टेल्स नीचे आप हेड्स वाली ऊपर कर लें अटेंशन हमने हेड्स पे रखनी है या आप इनको स्टैक कर सकते हैं दोनों को इस तरीके से स्टैक कर लें तो तीसरा मॉडल हमारे पास स्टैक्ड एल एस टी एम एंड जी आर यू मॉडल है ठीक है और स्टैक्ड एल एस टी एम और जी आर यू क्या करता है ये बेसिकली लेयर्स को ऑन टॉप ऑफ ईच अदर स्टैक कर देता है कि यानी जहां पे एल एस टी एम की लेयर है उसके ऊपर हमारी जी आर यू की लेयर को रख देता है जिससे क्या होता है हमारे पास दोनों की इनपुट्स इंपूर, और आउटपुट्स आती हैं यानी कि उसको सीरीज सीरीज में चला देते है। सीरीज का तो पता है ना कि पहले एक आया फिर दूसरा है, उस तरीके से उसका रिजल्ट भी हमारे पास आ जाता है हम इनको बारी बारी देखेंगे फिर हमारे पास कन्विलेशनल है एल एस टीएम एंड और उसके बाद हरेरिकल भी है जिस तरीके से भी बनती हैं आप इसकी लगाएंगे LSTM और GRU की हाइब्रिड मॉडल बनाने के लिए तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स बनती जाएंगे फिर एल एस टी एम और जी आर यू हैविद स्किप कुनेक्शन यानी कि आप कुछ कनेक्शन स्किप करके आगे चलते हैं कुछ आप जीअर से ले लें उसके स्किप कर दें फिर आगे टीम के ले लें तो इस तरीके से आप स्किप स्किप भी करते हैं जैसे स्किमिंग नहीं होती जब आप पढ़ रहे होते हैं किसी एक बड़े पैराग्राफ को आप सिर्फ बर्ड आई व्यू से पढ़ते हैं लाइक आप नया कोई पेपर निकालें या कोई बुक निकाले सबसे पहले उसकी तस्वीरें देखते हैं आप तो आप टेक्स्ट को स्किम कर रहे होते हैं फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आता सिर्फ हेडिंग्स के ऊपर आ जाते हैं फिर आप बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो पैराग्राफ के स्टार्ट और एंड वाली वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं थोड़ी सी बॉडी पढ़ते हैं तो इस तरीके से ये एल एस टी एम जीरो ग्रू डिफरेंट जो आपका डेटा है उसे स्किप करते जाते हैं यानी कि कनेक्शन जो है ना आपके न्यूरल नेटवर्क के अंदर उनको स्किप करते हैं अगर एल एस टी एम एक जगह पर चला है तो वहाँ पर जी आर यू नहीं चलता जब जी आर यू चलता है तो वहाँ पर एल एस टी एम नहीं चलता और ये आपको डिफाइन करना पड़ता है आर्किटेक्चर के अंदर एंड देयर आर मैनी अदर कस्टमाइज टाइप अपनी मर्जी से आप यूज़ कर सकते हैं इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है जी आर यू यूज़ कर लें रिसोर्सेज हैं तो एल एस टी एम कर लें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं तो दोनों को कंबाइन करके कर लें आपके रिजल्ट और भी जबरदस्त हो जाएंगे सिंपली ठीक है और इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं अगर आप चाहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है आपके एनएलपी के टास्क का जैसे चैट जीपीटी में करता है तो बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट की तरफ जाए ठीक है और बाइ डायरेक्शन का मतलब यह है कि आप इधर से भी इधर वाली साइड पर आ रहा है और उधर से भी इधर वाली साइड पे आ रहा है टेक्स्ट और दोनों की बेस पे इनपुट चल रही है इनको हम इंशाल्लाह करके भी देखेंगे परफॉर्म अब आगे चलते हैं क्वेश्चन है सर एल एस टी एम एंड जी आर यू आर टू टेक्निक्सिंग ये आर एन एन के एल्गोरिथम के अंदर हम जो चेंजेस हैं बेसिकली एल एस टी एम और जी आर यू वो उसी के टाइप्स हैं यानी कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था जब आर एन एन को हमने पढ़ा था कि आर एन एन के अंदर ये प्रॉब्लम है ग्रेडियंट एक्सप्लोडिंग फेनिशिंग ग्रेडियंट और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की तो उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए उसकी मोडिफाइड टाइप्स हैं तो गेटेड टाइप पहली एल एस है पहली है, दूसरा जी दूसरा जीआरयू है ठीक है तो ये दो उसकी टाइप्स हैं या टाइप फॉर्म ऑफ बेसिकली ठीक हो गया यहाँ पे हम अब इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं क्योंकि सारी बात है ये थ्योरी का पार्ट है